हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो में। फिलहाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि दोस्तों होंडा WS20X मशीन में दोस्तों मोबिल कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब मैंने ये मशीन को परचेज करा था उसका मैंने वीडियो बनाया था, जो काफ़ी लोगों ने उसको देखा और प्यार दिया दोस्तों। इसीलिए जो भी वीडियो को देखे हैं वो दोबारा देख लें इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप भी मशीन परचेज कर रहे हैं दोस्तों तो कितने घंटे के बाद आपको मोबिल चेंज करने हैं ताकि मशीन का लाइफ बढ़ सके, वो सारी चीजें आपको बताने वाले। कितने घंटे के बाद मोबाइल चेंज करना चाहिए फर्स्ट बार, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। कितने लीटर इसमें मोबाइल लगेगा वो लाइव आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कितना मोबाइल मैं उसमें डालने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मशीन जहां पर हम मोबाइल चेंज करने वाले हैं, कौन सा मोबाइल हम डालने वाले हैं, वो सारी चीज आपको मैं बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो, ये है दोस्तों मशीन जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जो वीडियो शायद आपने देखा भी होगा, होंडा WS20X। चलिए मैं उधर से मैं दिखाता हूँ, उसके पहले मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा मैं मोबाइल में डाल रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हो इसमें कितना मोबाइल है, आप देख सकते हो 500 ml से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डालने के बाद बचेगा, वो भी सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। फिलहाल देख सकते हो 500 ml यहाँ पर लिखा हुआ और यहाँ तक मोबाइल ये है अभी फिलहाल, ठीक है। और दोस्तों इसके इसका मतलब जो मोबाइल जहां हम लोग मोबाइल डालने वाले उसको खोलने के लिए यहां पर देख सकते हैं, ये जो रेंच है ये दोस्तों साथ में ही आता है, ठीक है। जब मशीन आप लीजिएगा वहां पर आपको ये मिलेगा, और ये दोस्तों जो सिक्सिन वगैरह लगाते हैं ना उसके लिए, और एक ए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि कहाँ हम इसको खोलना है, और पहले मोबाइल हम इस पर निकालते हैं उसके बाद इसको हमको डालना है। तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हो होंडा WS20X ये है दोस्तों होंडा का मशीन, और यहाँ से दोस्तों हम मोबाइल निकालने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर एक नेट दिया हुआ है, मैं आपको मैं दिखाता हूँ फोकस करके, ये देखो ये है दोस्तों, इसको हमको खोलना है, ठीक है, ये वाला। उसको खोल के हमको इसमें पूरा मोबाइल को निकालना है, उसके बाद हमको चेंज करना है। देख सकते हो कुछ इस प्रकार है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हो यहाँ से हमको मोबाइल निकालना है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ दोस्तों, ये रेंच जो साथ में आता है इसको मैं लगाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं यहाँ ये दोस्तों देख सकते हो मोबाइल अभी निकल रहा है, मोबाइल उतना अभी ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी पहली बार मोबाइल को चेंज कर रहे हैं दोस्तों, नया मशीन है अभी, इसलिए हम तुरंत लगभग 10 घंटा चला होगा मशीन, उसके बाद हम मोबाइल को चेंज कर दे रहे हैं। देख सकते हैं मोबाइल अभी ताज़ा है, उतना ख़राब अभी मोबाइल नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम चेंज कर दे रहे हैं। फिलहाल दोस्तों मोबाइल पूरा जो है निकल चुका है, ठीक है, देख सकते हैं पूरा फुल मोबाइल निकल चुका है अभी, पूरा मोबाइल जो निकल चुका है, उतना भी मोबाइल अभी ख़राब नहीं हुआ है, 10 घंटा लगभग मशीन चल चुका है, ठीक है। और अभी और भी चलेगा, अगर हम नहीं चेंज किए रहते तो कोई दिक्कत नहीं था, अभी बहुत जान है मोबाइल में, देख सकते हो अभी मोबाइल में बहुत जान है भाई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये देखो, ये मोबाइल में बहुत जान है, अभी नहीं भी चेंज किए रहते ना तो दिक्कत नहीं था। मैं आपको मैं दिखाता हूँ, देखो मोबाइल, अभी मोबाइल में बहुत जान है भाई, लेकिन फिर भी चेंज कर दे रहे, ये मोबाइल हम फेंकेंगे नहीं, तो मौके पर ये काम भी आएगा, अगर बाई चांस मोबाइल ख़त्म हो जाता है तो हम इसको हम दोबारा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम अभी चेंज कर दिए हैं, फिलहाल अभी हम चेंज करेंगे। इसमें जो नेट है पहले उसको हम लगाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो ये नेट, इसको हम यहाँ पर लगा देंगे भाई। तो कस दिए हैं, अब दोस्तों मोबाइल इसमें डालना है, ठीक है। अब कितना मोबाइल डालना है ये तो यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, ये इसमें हमको मोबाइल डालना है, इसमें दोस्तों मोबाइल हमको डालना है, ठीक है। और मोबाइल है यहाँ पर, मैंने आपको दिखाया था दोस्तों, ये जो हम लोग बाइक में डालते हैं ना कैस्ट्रोल, आप देख सकते हो ये वाला मोबाइल हम इसमें अभी डाल रहे हैं। फिलहाल आपको लेवल भी मैंने आपको दिखाया था, 500 ml से कुछ ज़्यादा है, अब इसको हमको डालना है, देखना है कि कितना ml इसमें लेता है। फिलहाल देख सकते हो 500 ml पहले था और 250 ml ख़त्म हो गया दोस्तों, यानी 250 ml जो है इस मशीन में लिया है, अभी मैंने आपको भी दिखाया लाइव, ठीक है। तो पूरा देख सकते हैं मुंह तक पूरा भरा हुआ है दोस्तों, थोड़ा सा मशीन टेढ़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा आपको ऐसे कर देंगे ना, देख सकते हैं मोबाइल पूरा
फुल हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका भी नया मशीन है तो आप इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, 10 या दोस्तों 15 घंटे में आप अपना मोबाइल चेंज कर लेना नया में, ठीक है। उसके बाद पुराना हो जाएगा, सेकंड मोबाइल आपको 30-35 घंटा में आपको चेंज करना होता है। तो फिलहाल ये कैप दोस्तों इसका लगा देते हैं मोबाइल वाला। और ये दोस्तों ये फिल्टर वाला रहता है, एयर फिल्टर ए वाला, ठीक है, ये वाला, इसको भी खोल कर आपको साफ कर देना है, कभी कभी मोबाइल इसमें भी आ जाता है, ठीक है, इसको भी साफ कर देना खोल कर। अभी मेरा ठीक है, अभी हम इसको छुएंगे नहीं, ठीक है, अभी नया मशीन है दोस्तों, इसलिए हम इसको खोलेंगे नहीं अभी दोस्तों, इसको हम खोल कर साफ करना है, अभी फिलहाल नया है तो अभी हम उसको नहीं खोलेंगे दोस्तों। फाइनली वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस मशीन से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको जानना हो कमेंट करके आप जरूर बताना, मैं आपको कमेंट के जरिए या फिर वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास में करूंगा। तो फिलहाल ये मशीन आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट कर जरूर बताना, अगर आप भी परचेज करें हैं तब भी कमेंट करना। मिलते हैं कोई अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।